चलिए बात करेंगे। राज्य में दो दिवसीय जनजाति महोत्सव का रंगारंग समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि रहे। समापन समारोह में सीएम ने जंगलों की कटाई पर चिंता जाहिर की। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने ईडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब ईडी का काम बट जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा अब ईडी बिहार भी जाएगी। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव का समापन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मुख्य अतिथि। दो दिवसीय जनजाति महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित भव्य समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रहे। तालियां हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी का हम झारखंड की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने सुखाड़ की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई, साथ ही कहा कि हमें अपनी पहचान रखने की जरूरत है। आप मेहनत करें, आपके साथ सरकार खड़ी है। आप लोग भी आगे बढ़े, सरकार की योजनाओं का लाभ लें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र के लिए हम लोगों ने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। बस आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जंगल के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ऐसे में आदिवासियों को बचाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने लड़ना सिखाया है, हम आंधी तूफान से मुकाबले को तैयार है। तारीख हम जनजातीय समाज के लिए एक संकल्प दिवस भी है। हम इस समय ऐसे संकल्प के साथ एक सुर से ऐसी आवाज उठाए जो आज जनजातीय समाज की समस्याओं की भी आवाज शीर्ष ऊंचे बैठे कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए। आने वाला समय में कई तूफान, कई आंधियां आएंगी, कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें कभी हारना नहीं सिखाया है, कभी रुकना नहीं सिखाया है। हमें लड़ते जाना है, मंजिल हमें स्वयं मिलेगी। वही मुख्य अतिथि के तौर पर समापन समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही कहा कि आजादी की लड़ाई में झारखंड की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, ग्राम सभा के अधिकार को केंद्र सरकार वापस ले रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड सरकार के तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने इसे नाकाम कर दिया। भाई हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। पिछले कुछ दिनों पहले सुना था क्या कुछ संकट पैदा किया जा रहा है, तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो बाउंसर फेंका गया था, लेकिन झारखंड वालों ने हुक शॉट मारा, बिहार में उसकी सरकार चली गई। हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करें। भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी का काम अब थोड़ा बढ़ जाएगा, ईडी अब छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा बिहार भी जाएगी। लेकिन अच्छा है हेमंत भाई, पहले ईडी आईटी छत्तीसगढ़ और झारखंड में आया करते थे, अब बिहार भी जाना शुरू करेंगे, कुछ तो बंटवारा हो जाएगा। समापन समारोह में झारखंड की हॉकी खेलने वाली बेटियों को सम्मानित किया गया, साथ ही सीएम ने भूपेश बघेल को स्मृति चिन्ह भेंट की। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के कई मंत्री और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। अब जुड़े हुए अजय लाल जी, अगर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बात करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करेंगे, दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी देखी गई है। कई दफा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम होते हैं तो चीफ गेस्ट बनकर शामिल होते हैं, तो आज मुख्य अतिथि बनकर
भूपेश बघेल पहुंचे थे, कई बातें हुई, कई बातें देखने सुनने को मिली। अजय लाल जी, ये देखिए जिसान, सबसे अहम बात यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब कभी भी उन्हें छत्तीसगढ़ से न्योता आता है, वो बिल्कुल उस कार्यक्रम में जरूर जाते हैं। रायपुर में, रायपुर की बात करें या फिर कहीं और की बात करें, खासकर छत्तीसगढ़ में जी। और उसी न्योते का एक दूसरा स्वरूप यह था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भूपेश बघेल को न्योता दिया था कि हम जनजातीय महोत्सव में आए, कम से कम समापन समारोह में जरूर आए। जाहिर सी बात है, दोनों मुख्यमंत्री जब आपस में मिलकर बैठ रहे थे मंच के पास, तो काफ़ी ऐसी बातें भी हुई होंगी आपस में, चूंकि दोनों पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पॉलिटिकल व्यक्ति जब आपस में बैठते हैं तो कई तरह की बातें होती ही हैं, तो जाहिर सी बातें जरूर हुई, राजकाज के बारे में बातें हुई होंगी। लेकिन भूपेश बघेल ने जब मंच से बोलना शुरू किया जी, तो उन्होंने उस घटनाक्रम का जिक्र कर दिया जिसके तहत कांग्रेस के 3 विधायक आज की तारीख में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में जी, जानकारी मिली थी कि यहाँ की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसा हुक शॉट मारा, हुक शॉट क्रिकेट की एक भाषा है जिसमें बॉल को सीधे उछलकर बॉल को ऐसा मारा जाता है कि वो बाउंड्री के पार चला जाता है, तो हुक शॉट का उन्होंने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा हुक शॉट मारा कि झारखंड की सत्ता तो छोड़िए, बिहार की सत्ता पलट गई भाजपा की। तो ये जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल व्यक्ति से ऐसी बातों की उम्मीद इसलिए भी की जाती है कि पॉलिटिकल व्यक्ति यदि ऐसी बातें नहीं करेगा तो फिर बातें क्या वो करेगा। हालांकि उन्होंने कहा, व्यंग भी किया, भूपेश बघेल के बातों में व्यंग था कि उन्हें खुशी इस बात की हो रही है कि अब से पहले ईडी के अधिकारी झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ में जाया करते थे, पश्चिम बंगाल में जाया करते थे, लेकिन अब ईडी के अधिकारियों को काम बटेगा, उनका उनके जिम्मेदारी बढ़ेगी, उन्हें बिहार में भी जाना होगा। कहने का मतलब ये था कि भूपेश बघेल ये जानना कहना चाह रहे थे कि जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पहाड़ पर केंद्रीय एजेंसियां ज्यादा सक्रिय रहती है। भूपेश बघेल ने बेशक ये बातें व्यंग में कही हैं, लेकिन इन बातों का कई ऐसा मतलब है जिसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कैसे केंद्र की सरकार के बारे में कथित तौर पे कहा जाता है कि खासकर वैसे राज्यों में ज्यादा केंद्रीय एजेंसियां काम करती है जहां पर गैर बीजेपी की सरकार रहती है। भूपेश बघेल का इशारा उसी की तरफ था। हालांकि उन्होंने एक बात और भी अच्छी कही कि हमें जंगलों को बचाना होगा। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया कि कहा कि कैसे ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है, उस व्यक्ति से पूछिए जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, और ऑक्सीजन कोई और नहीं देता है, झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगल देते हैं। उन्होंने कई प्रकार के केंद्र से भी कहा कि केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए, नियम ये कहता है कि जंगलों की कटाई से पहले यदि कोई हाईवे बन रहा है, कोई उद्योग स्थापित हो रहा है, तो सबसे पहला परमिशन, पहली अनुमति ग्राम सभा की लेनी होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस नियम को पलटने की कोशिश में है। कुल मिलाकर यह कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेशक जनजातीय समारोह में हिस्सा लेने आए थे, उन्होंने अच्छी बातें भी कही, लेकिन केंद्र पर निशाना साधने से भी वो बाज नहीं आए। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो एक मुख्यमंत्री है, मैच्योर पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो केंद्र की तरफ उनका इशारा, केंद्र पर उनका हमला वाजिब ही था, और इसके मुझे लगता है कि इसकी आवाज जरूर दिल्ली तक जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ईडी का नाम लिया है, ये चर्चा दिल्ली तक भी जाएगी। जिसान, जनजातीय महोत्सव के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अजय लाल जी, जनजातीय महोत्सव काफी भव्य रहा, झारखंड के जनजातीय समाज के लिए कैसे आने वाले वक्त में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है? देखिए, जनजातीय महोत्सव का मतलब ये मत समझिए जिसान कि ये 2 दिनों का कार्यक्रम था, 2 दिनों का उत्सव था, लोग खुशी मनाकर वापस लौट गए। एक मैसेज देने की कोशिश थी इस कार्यक्रम के बहाने, अन्यथा 9 और 10 अगस्त का जो कार्यक्रम है, 9 अगस्त ऐसे ही कहा जाता है कि अगस्त क्रांति की तारीख होती है, लेकिन ये 2 दिनों के जनजातीय महोत्सव के बहाने राज्य की सरकार ने, खासकर सूबे के मुख्यमंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि झारखंड में जो जनजातीय समुदाय है वो कभी भी अपने को अकेला ना समझे। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पे कहा जनजातीय समुदाय से कि हमारी सरकार आपके लिए बनी है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा,
मेहनत क्या करना होगा, शिक्षा की बात उन्होंने की कि बगैर शिक्षा सरकार चाहे कोई भी हो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, अपना जो संस्कृति है अपनी जो सभ्यता है उसको सहेज कर रखें। मतलब यह कि मैसेज इसकी देने की कोशिश ये हुई थी कि झारखंड में यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की सरकार है तो जनजातीय समुदाय को ये समझाने की कोशिश थी कि यदि काके रोड में कोई सरकार बैठती है, काके के आवास में मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि जनजातीय समुदायों के लिए भी सरकार बैठी हुई है। कभी भी अपने आप को वो अकेला महसूस ना करें, कभी अपने आप को भी ना समझें। महोत्सव में देखने को भी मिली जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल जी तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।